इस इनकलाबी नारों को सुनकर आप कम्युनिस्ट मानसिकता की याद आ जाती होगी, जो अपने इनकलाबी नारों के लिए पूरे मुल्क में मशहूर हैं। इस शख्स को गौर से देखिए, देखने में सीधा साधा, अपने हाथों में स्लोगन लिए आपने चंपारण के अक्सर चौक चौराहों पे इसे देखा होगा। यही सामाजिक सेवाएं इस मामूली से इंसान को गैर मामूली बना दिया और चिकटा विधानसभा से जीत हासिल कर विधायक बने। कोरोना की तीसरी लहर की खौफनाक तस्वीरें और हालात के पेश नज़र उन्होंने अपने फंड की 1 करोड़ बची हुई राशि को सिकटा मैनाटांड प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र को कोविड उपकरण खरीदने हेतु अनुशंसा कर दी है। ये चंपारण के 9 विधानसभा सीटों के पहले ऐसे विधायक हैं जो ये कारनामा अंजाम दिए हैं। आप खुद उनकी जबानी सुनिए, उन्होंने क्या किया है। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लाख मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहे हैं, विदेश से भी मदद मिल रहा है, लेकिन सबका आता पता नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार ने फिर जो विधायक निधि के पैसे थे उसमें से 2-2 करोड़ रुपए कोरोना मद में उसने काट लिया है, लेकिन उसका भी पता नहीं है कि सरकार कहां खर्च करेगी, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इस स्थिति में हमने माले के तमाम विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिए, हमने सिकटा के लिए, सिकटा विधानसभा के लिए, हमने जो बीएससी है यहाँ की सिकटा मैनाटांड की जो बीएससी है इसके लिए एक एक एम्बुलेंस से लेकर के ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस और साथ में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीक्रोमीटर, फेस मास्क से लेकर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन तमाम जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था के लिए हमने शेष जो 1 करोड़ राशि है विधायक मत की उसको हमने अनुशंसा किया है कि सरकार उससे अविलंब खरीद करे, सिकटा और मैनाटांड पीएससी को दे, ताकि कोरोना से जो प्रभावित मरीज है उनके इलाज में मदद मिल सके। 22 में प्रत्येक विधायक को 3 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, जिसमें 2 करोड़ रुपया जो कोरोना महामारी के नाम पर बिहार सरकार ने काट लिया, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये पैसा 2 करोड़ का राशि जो विधायक नदी से काटा गया है वह कहाँ पर खर्चा होगा, किस फंड में खर्चा होगा, इसकी जानकारी माननीय विधायकों को नहीं है। अब बचे हुए 1 करोड़ रुपया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो 1 करोड़ रुपया था उसको माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य 2 स्वास्थ्य केंद्र सिकटा और मैनाटांड को तीसरे लहर के महामारी को देखते हुए वहां पर एक एक एम्बुलेंस, 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर बेस लीटर का और 5 नेबुलाइजर मशीन तथा 5 ऑक्सीमीटर तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराने की अनुशंसा जिला योजना पदाधिकारी बेतिया से माले विधायक ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य क्षेत्र के विधायक भी कोरोना महामारी को देखते हुए अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने का प्रयास करें, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने आप लोगों को अपना प्रतिनिधि चुना और क्षेत्र की जनता की उम्मीदें अपने प्रतिनिधियों पर रहती हैं।